नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बोर्ड बनाने सिखाऊंगा। तो ये जो है बोर्ड, एक सॉकेट है, दो स्विच और एक होल्डर है। तो हम चाहते हैं कि सॉकेट जो है हमारी इससे चले पहले से, और जो होल्डर के साथ है ये होल्डर हमारा इससे चले। तो ये कैसे चलेगा? सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको ऐसे रखना है, उल्टा करना है। अब ये होल्डर आ गया और ये स्विच आ गया, ठीक है, और ये सॉकेट और ये स्विच। तो इसको हमने कैसे चलाना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ये है आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल को आपने यहाँ लगाना है और यहाँ पास देना है। ये ध्यान से देख लो, न्यूट्रल को हमने यहाँ से यहाँ लगा दिया। और ये है फेस, तो फेस को आप यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर एक में ही लगाना है। आपने क्या करना है, इसमें फिर ये आप कॉपर की वायर लेकर, ये आपके पास पड़ी है, तो उससे आप इसको पावर पास कर दो, क्योंकि इसके लिए पावर आनी चाहिए। और ये जो तार है, आपने यहाँ से यहाँ करना है। और इसका है, ये आप देख सकते हैं, इसका तार जो है इसका यहाँ लगाना है, इसका यहाँ से यहाँ और इसका यहाँ। तो सभी ने ध्यान से देखना है, ये हमने ये हमारा वो है, ये न्यूट्रल है हमारा। तो न्यूट्रल को आपने यहाँ से यहाँ लेना है। फिर से आप देख लो, ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हमने यहाँ से लिया और यहाँ ले लिया, ये हमने डाल दिया। ये हमारा होल्डर है और ये हमारी सॉकेट है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा फेस है, फेस को हमने यहाँ से पावर पास करना है। ये आपको तार दिख रही है, पावर पास, कि इन दोनों के अंदर पावर रहे तभी ये ऑन ऑफ होंगे। अगर इसमें पावर नहीं दोगे तो ये ऑफ, वो पावर नहीं जाएगी। तो आपको इसमें करना है, आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो है आपस में ना जुड़े यहाँ पर, अगर आपस में आप टच कर देते हैं ये तो जल जाएगा। और इस तार को हमने यहाँ लगाना है और सॉकेट की इसको हमने यहाँ लगाना है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, आप बैक साइड देख सकते हैं, ये ऐसे है। तो ये स्विच है, इसको हमने यहाँ से ऑन करना है, और ये होल्डर है, होल्डर को हमने यहाँ से ऑन ऑफ करना है। तो हम इसको पलट कर ऐसे, अब ये होल्डर इधर आ रहा है, तो होल्डर को जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ से न्यूट्रल हम यहाँ दे देते हैं सॉकेट में, और यहाँ से ये जो न्यूट्रल जाता है, ये न्यूट्रल पावर होता है। तो फेस जो आएगा, ये दूसरी तार है, फेस की मेन तार जो है, इसका पावर हमने यहाँ दे दिया, ये आप देख सकते हैं, यहाँ का इसका पावर यहाँ आ गया। तो इसके अंदर हमने कॉपर की तार लगानी है कि इसमें पावर चला जाए, या आप तार भी आप डायरेक्ट यहाँ तक डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में ये तार हमने यहाँ देनी है, ये तार हमने यहाँ देनी है, और फिर हम चेक करेंगे कि हमने जो ये बोर्ड बनाया है क्या हमारा बोर्ड चलता भी है कि हम ऐसे कह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं वो चेक करके दिखा दूँगा। तो मैंने इसमें लगा दिया है बल्ब, और अब हम इसको पावर में लगा देते हैं। मैंने पावर में लगा दिया है, हाँ। ये आपने देखा कि हमारा जो बल्ब है चल गया है, तो इसका अर्थ है कि हमारा जो हमने बोर्ड बनाया है वो बिल्कुल ओके है। जो भाई कहते हैं कि भाई आपने हमें गलत बताया है, तो सभी भाई मैं बताना चाहूँगा कि वो ध्यान से देखे वीडियो कैसे बनता है और कैसे मैंने प्रॉपर बताया है। तो फेस वाली तार है, आप उसको लगा सकते हैं, और साथ में न्यूट्रल वाली होती है, एक फेस होती है, एक न्यूट्रल होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।